गुड मॉर्निंग राहुल, एक बड़ा फैसला ले सकता था, आप मुझसे कह सकते थे, आप दूसरी बस पकड़ सकते थे, वह मुझे फोन कर सकता था, सकता था या सकते थे। अगर इस तरह का सेंटेंस आपके सामने आए तो आप उसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, उसके लिए सकता था के लिए किन वर्ड्स का यूज करेंगे, आज हम यही सीखेंगे। इसके लिए हम यूज करेंगे कुड हैव। सकता था, सकते थे या सकती थी, या नहीं कर सकता था, नहीं कर सकते थे, नहीं कर सकती थी, इनके लिए हम यूज करेंगे कुड हैव या कुड नॉट हैव। कुड हैव या कुड नॉट हैव का यूज हमेशा हमारी पास्ट की कैपेबिलिटी के लिए होता है, भूतकाल की योग्यता के लिए कुड हैव का यूज हम करते थे। आइए सीखते हैं, लेट्स स्टार्ट इट। तो इसके लिए हमारी जो स्ट्रक्चर रहेगी, रूल रहेगा, वो रहेगा कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम इसमें यूज करेंगे, सब्जेक्ट और बाकी सारी चीजें तो एज यूजुअल रहेंगी ही। तो देखिए, राहुल एक बड़ा फैसला ले सकता था, कुड हैव मेड अ बिग डिसीजन। ठीक है, इसी तरह से आप मुझसे कह सकते थे, यू could have told to me, इस तरह से होगा। उसके बाद है, आप दूसरी बस पकड़ सकते थे, you could have caught another bus, तो इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट है, आप उसके साथ खाना खा सकते थे, आ जाएगा यू कुड हैव ईटन फूड विद हिम, वह मुझे फोन कर सकता था, ही कुड हैव कॉल्ड मी, मैं भी आपको छोड़ने आ सकता था, आई कुड हैव कम टू ड्रॉप यू, फुल स्टॉप। हम आपा नहीं खो सकते थे, वी यहां कुड नॉट हैव आ जाएगा, We could not have। अगर सिंपल है सकता था सकते थे तो could have, और अगर नहीं कर सकता था नहीं कर सकते थे तो आएगा could not have lost our temper, आपा होता है temper। वह मुझे छू भी नहीं सकता था, He could not even टच्ड मी, इस तरह से हो जाएगा। तो इस तरह से अगर सकता था सकते थे सकती थी, या नहीं सकता था नहीं सकते थे नहीं सकती थी वाले सेंटेंसेस को हमें इंग्लिश में कन्वर्ट करना है तो हम सकता था सकते थे के लिए हम यूज करेंगे कुड हैव या कुड नॉट हैव। तो स्टूडेंट्स, आज हमने सकता था सकते थे के विषय में सीखा। अगली वीडियो में फिर अन्य किसी एडवांस स्ट्रक्चर के साथ हम आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद।